हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं नेहा और आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं डे 3 ऑफ आर बकासना चैलेंज, जो हम 4 डेज़ की सीरीज़ में प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑल्सो जिसके जो बगल में बेल आइकन उसको क्लिक कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसका आईडी है योगा फॉर क्योर। तो आज हम लोग मेजरली ये सीखेंगे कि आप कैसे अपने आप को प्लेस करोगे जब आपको बकासन में आना है, तो आपके पोश्चर्स कैसे होने चाहिए, और काइंड ऑफ थोड़ा बहुत कैसे आप बेसिकली बकासन में एंटर कर सकते हो, क्योंकि कंप्लीट बकासन तो थोड़ा तो डे 4 में सीखेंगे। आज हम लोग उससे पहले थोड़ा अपना प्लेसिंग वगैरह को सही कर लेते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। हमारे प्रैक्टिस को थोड़ा आसान बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वुडन ब्लॉक, जो आपको प्रैक्टिस में थोड़ा हेल्प करेगा। अगर आपके पास ये घर पे नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास कोई किताब हो सकती है, कोई बुक हो सकती है, जितनी मोटी हो वो यूज़ कर सकते हैं। अगर बुक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी हम ट्राई करेंगे कि इसके बिना भी हो सके। अगर आपके पास है तो ये प्लीज़ आप यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम थोड़ा अपने बैलेंसिंग और कोर के ऊपर एक और स्टेप वर्क कर लेंगे, जो हमने पास्ट 2 दिन सीखा था बैलेंसिंग और थोड़ा कोर, उसमें ये एक है। बट फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा एक ग्रिप मिल सके, ठीक है। पहले हम आ जाएंगे अपने फुल प्लैंक में। आपको याद है कि आपके फिंगर्स को ओपन रखना है और अपनी उंगलियों को थोड़ा टेढ़ा रखना है ताकि आपके रिस्ट को जो है वो हर्ट ना हो। यहाँ से हम थोड़ा मूवमेंट करेंगे आगे और पीछे। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल। यहाँ पर थोड़ा शोल्डर को राउंड कर लेंगे। 3, 2, 1 रिलैक्स। बीच में आपको अच्छी तरह से अपना रिस्ट रोटेशन करना है थ्रू आउट, और शुरू करने से पहले भी आपको रिस्ट रोटेशन कंप्लीट करना है, रेगुलर वार्म अप कंप्लीट करना है, सूर्य नमस्कार करना है, ताकि पूरी तरह से तैयार हो सकें अपने प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सो यहाँ से जो हम पोस्चर यूज़ करते हैं बकासन में आने के लिए है वो है मलासन। अगर आपका मलासन उतना अच्छे से ठीक से अगर आपसे नहीं हो पा रहा, फिर थोड़ा आपको वो पोस्चर आने में दिक्कत होगी, इसीलिए हम लोग ब्लॉक यूज़ करने वाले हैं, ओके। तो मलासन कैसे प्रैक्टिस करेंगे, फुल प्लैंक में आ गए, फिर राइट लेग को ले आए राइट पाम के पास, फिर लेफ्ट लेग को ले आए लेफ्ट पाम के पास, इतने स्पेस में स्लोली आप हिप को नीचे करेंगे और यहाँ पे हो गया आपका मलासन। अगर आप यहाँ में आपको बैठने में दिक्कत हो रही है तो अब हम यूज़ करेंगे ब्लॉक्स को। क्या होगा, ब्लॉक को अपने एड़ी के नीचे रखोगे तो आपको थोड़ा स्पेस मिलेगा, थोड़ा बहुत ऐसे। अगर आपके पास 2 ब्लॉक है तो आप 2 भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास फ़िलहाल अभी 1 है तो मैं 1 यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको थोड़ा ऊँचाई मिलेगी अपने नी में, जो आपको स्पेस मिलेगा तो फिर आपको उतना दिक्कत नहीं होगा प्रैक्टिस करने में। तो यहाँ पर आप मलासन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट पोस्चर है आपके लिए अभी, जो आपका बेस पोस्चर होगा। ब्रीद इन ब्रीद आउट, यहाँ पे अपने स्पाइन को थोड़ा स्ट्रेट रखिएगा, यहाँ से अपने हाथों को थोड़ा आप आगे रखिए कंफर्टेबली, और एल्बोज को थोड़ा बेंड, एकदम स्ट्रेट नहीं रखेंगे, थोड़ा बेंड रखेंगे ताकि आपको थोड़ा नी के लिए स्पेस मिल जाए। यहाँ पर मैं थोड़ा यहाँ पे आगे आने की कोशिश कर रही हूँ, देखिए मैं हील्स उठ रहा है बट मेरे टोस फ्लोर पे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग, मैं आगे जाने की कोशिश कर रही हूँ और मेरा जो एल्बो है वो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, तो काइंड ऑफ मैं आर्म के लिए बैलेंस कर रही हूँ, ठीक है। तो हाथ यहाँ आ गया, टोस पे पूरा आपका कंट्रोल रहेगा, आप एकदम से आगे नहीं जाओगे, आपका हील थोड़ा लिफ्ट होगा बट टोस नहीं लिफ्ट होंगे, एल्बो थोड़ा बेंड रहेगा ऐसे। तो एक्सहेल करते हुए आगे, लेकिन आप एल्बो से आपको रोकना है अपने आप को आगे जाते हुए, और पीछे आगे पीछे। यहाँ पर जब मैं अपने हील्स को लिफ्ट कर रही हूँ, मैं थोड़ा और बढ़ावा दे रही हूँ ताकि वो जो थोड़ा बैलेंसिंग है आगे पीछे जाने का वो ठीक से हो पाए। एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल इनहेल, एक्सहेल। यहाँ होल्ड कीजिएगा, यहाँ पे मैं, मुझे फील हो रहा है कि मैं अपने नीस को रोक रही हूँ अपने एल्बो से, ठीक है। 3, 2, 1 और रिलैक्स। अगर आप कंफर्टेबल हो विदाउट ब्लॉक्स के तो आप ब्लॉक्स को हटा दीजिए, और विदाउट ब्लॉक्स भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो।
ठीक है, यही चीज़ एल्बोज को थोड़ा बेंड रखें और एकदम पास में नहीं रखना है, यहाँ से जो फुट है यहाँ से 2 स्टेप आगे, ठीक है। यहाँ से अभी हम लोग थोड़ा हील को ऊपर करेंगे, आगे पीछे सेम थिंग जो हमने ब्लॉक से साथ किया अभी हम बिना ब्लॉक से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपका जो नी है इस स्पेस को हम कवर करेंगे अपने एल्बो से ताकि आपको गिरे ना और आपको अच्छे से एक स्पेस मिल जाए जहाँ पे आप कंफर्टेबली अपने आप को लिफ्ट कर सकते हो। हम लोग दोबारा ट्राई करेंगे हील्स को ऊपर करके आगे। यहाँ पे आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बिल्कुल भी नहीं गिरोगे, आपका जो पूरा अपर बॉडी है आपके सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे शोल्डर को इतना स्ट्रेट ना रखिए, थोड़ा राउंडेड रखिए, ठीक है। जैसे कैसे, 1 डाउन 2 डाउन 3। यहाँ पे हम रुकेंगे थोड़ी देर, बॉडी का बैलेंस को नहीं छोड़ना है। देखो मेरे दोनों पैर एकदम से फ्लोर के ऊपर है तो मेरा पूरा कंट्रोल है बॉडी के ऊपर। यहीं पर रुकिएगा, 3 2 1 डाउन, ब्रीद इन ब्रीद आउट। अब थोड़ा और आगे, जब हमने स्पेस हाथ को यहाँ पे रखा था अब यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। आर्म्स को हम यहाँ पे रख लिए, एल्बोज को थोड़ा बेंड मतलब एल्बोज को अंदर की तरह रखा, हील को लिफ्ट किया, हिप को लिफ्ट किया थोड़ा आगे। यहाँ पे हम लोग इतना चाहे तो आप बैलेंस कर सकते हो अपने टो के ऊपर जितना हो सके उतना, यहाँ पे अपने आप को फील कर सकते हो अपर बॉडी को। 3 2 1 रिलैक्स। इतना करोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि आपके जो बॉडी वेट है अगर आप उठा रहे हो तो आपको कैसे फील हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा और एडवांस प्रैक्टिस करेंगे यहाँ से। हाथ आगे, एल्बोज बेंड, हील को लिफ्ट किया आगे। अब एक पैर को उठाया, याद रहे एक पैर आपका फ्लोर पे होना चाहिए। 3 2 1 पूरा आगे की ओर, 3 2 1 एंड डाउन। ब्रीद इन ब्रीद आउट। आपने जैसे कि देखा कि हम अभी मलासन से अपने बॉडी को लिफ्ट करने की ट्राई कर रहे थे, तो इसके बाद आप थोड़ा ध्यान रखिए कि अपने रिस्ट के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस बना रहेगा, वो आपको रिस्ट रोटेशन करके बीच में एटलीस्ट 2 से 3 बार आपको रिलैक्स करना ही पड़ेगा, ठीक है। जितना चाहे उतना ब्रेक लीजिए, जो हमने आज किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेस पॉस्चर है। वो अगर आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, अगर आप वहाँ पे बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, फिर बकासन पूरा पॉस्चर करना काफ़ी थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। तो इसको आप एटलीस्ट 2 से 3 दिन तक प्रैक्टिस कीजिए, आप देखिए कि कैसे आपको फील हो रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस, कि आपका जो पूरा फोकस है अपने कोर मसल्स पे हो, अपने आर्म्स पे हो, और आप माइंडफुल प्रैक्टिस कर रहे हो। ऐसे नहीं कि आप कुछ सोच रहे हो बस मुझे पॉस्चर में आना है। इतनी हड़ी बड़ी में प्रैक्टिस करोगे तो फुशाए वो नहीं हो पाएगा, अगर हो भी जाएगा तो शायद बहुत देर तक रुक नहीं पाओगे, ठीक से अलाइनमेंट्स नहीं होंगी। ताकि शांति से प्रैक्टिस कीजिए, माइंडफुल प्रैक्टिस कीजिए, जितने आराम से हो सके उतना कीजिए। 2 4 दिन भले ही और लग जाए बट आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत ही सेफ होनी चाहिए। तो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर मैंशन कीजिएगा, ये प्रैक्टिस कीजिएगा एंड हैव अ सेफ प्रैक्टिस। थैंक यू।